रमेश सिंह, कैसे हो तुम? बहुत समय बाद दिखाई दिए। आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है महाराज। मेरी बीबी को बच्चा होने को था, इसकी प्रसूति के लिए इसके मैके गया था, अभी भी लौटा हूँ महाराज। सब ठीक तो है रमेश? आप जैसे राजा के राज्य में सब ठीक ही हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हमें बेटा हुआ है, इसीलिए इसे हम लेकर आए हैं आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए। बेटा? जी महाराज। महाराज, श्रेणी में साईं बाबा हैं। सुना था वो लोगों की बहुत मदद करते हैं। ये जानने के बाद मैं साईं के पास गया था। मैंने उन्हें बताया कि हम लोग सालों से औलाद के लिए तरस रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ बेटा चाहिए था, हमें तो बस एक संतान चाहिए थी। साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया, उदी दी, और उसके कुछ ही हफ्तों बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और पहली बार में ही बेटा हुआ। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बार आपको भी जाना चाहिए साईं बाबा के पास। शिरडी तो एक बहुत छोटा सा गांव है, पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं होंगी वहां पर। हम जिन सुख सुविधाओं के आदि हैं, पता नहीं वो वहां मिलेंगे भी या नहीं। महाराज, यदि आप जाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। बहुत शौक है ना तुझे दूसरे के कामों में टांग अड़ाने का। मैं तो तुम्हें बुरा करने से रोक रहा हूँ। और आज के बाद रोक भी नहीं पाएगा। रुक जाओ। देखा आपने, ये आदमी इस इंसान की बलि देने वाला था। लगता है अंदर कोई और भी है। इतने लोगों की बलि चढ़ाने वाले थे, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम मुझे नहीं जानते कि कितने बड़े बड़े लोग मेरे भक्त हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं लौट के वापस आऊंगा और अपनी साधना पूरी करके सिद्धि भी हासिल करूंगा। और साईं, तूने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला जरूर लूंगा। राम जी तुम्हें सद्बुद्धि दें। ले जाओ इसे। साईं, अच्छा वो केशव को भेजकर आपने मुझे यहां बुलवा लिया। आपके कारण भला टल गई साईं। नाना, इस बार बला भले ही टल गई हो, लेकिन जब तक लोग लालच में भ्रमित होकर सही गलत की पहचान भूलते रहेंगे, ऐसी बलाएं बार बार आती रहेंगी।
साई बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया, उदी दी और पहली बार में ही बेटा हुआ। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, एक बार आपको भी जाना चाहिए साई बाबा के पास। महाराज कल से मैं देख रहा हूं आपको, जब से रमेश मिला है कुछ सोच में है आप। मैं सोच रहा हूं मंत्री जी कि क्या रमेश की बात सच हो सकती है। हम उस खंडहर में नहीं जाएंगे। रमेश की बात बिल्कुल सच है महाराज, साईं के ऐसे कई किस्से बहुत मशहूर हैं और लोगों का मानना है कि साईं इंसान के रूप में भगवान है, और मैंने तो स्वयं इस बारे में जानकारी हासिल की है। हम छोटी रानी के साथ साईं के पास जाएंगे। साईं आप ना कभी गद्दे पर बैठते हैं और ना ही कभी गद्दे पर सोते हैं, फिर यह गद्दा? कोई है जिसे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उनकी सुविधा का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। मंत्री जी क्यों चले गए सिंहपुर वापस? यह शिरडी में अगर कुछ काम पड़ेगा तो उसके इंतजाम के लिए उन्हें यहाँ रुकना चाहिए था। दामिनी मंत्री जी को सिंहपुर में जाकर सब कुछ संभालना है, बड़ी रानी हमारी तीनों बेटियां और अंग्रेजों की आंखों में धूल भी झोंकनी है ताकि उन्हें पता ना चल सके कि मैं महल में नहीं हूं। ये कैसे कपड़े हैं? हमें रेशम के मुलायम कपड़े पहनने की आदत है। कोई भी हमारे पहनावे से हमारी पहचान न कर सके इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए रानी। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी दूर क्यों आए हैं और वो भी इतना खतरा लेकर। तुम ये सोचो ना दामिनी कि सचमुच अगर साईं के आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इन अंग्रेज अफसरों की वजह से हम कोई भेंट भी नहीं ले पाए साईं के लिए। क्या सोचेंगे साईं हमारे बारे में कि हम ऐसे ही खाली हाथ उनसे मिलने चले आए? अगर फकीर को दान नहीं देंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? गाड़ीवान बाजार की तरफ से ले लेना ताकि साई के लिए फूल माला मिठाई नारियल लिया जा सके। जी महाराज। पर आपको इतना यकीन क्यों है कि साई हमारी मदद करेंगे भी? दामिनी राजा हूं मैं, मेरी मदद के लिए कौन मना करेगा? रईस लोग लगते हैं, तभी तो बैलगाड़ी सीधे यहाँ तक लेकर आए, वरना भाड़े की बैलगाड़ी तो यात्रियों को शिरडी के द्वार पर ही उतार देती है। कपड़े से तो बहुत अमीर नहीं लगते ये लोग। आओ। हाँ। प्रणाम साईं बाबा। राम जी भला करे। बहुत सुना था आपके बारे में, आज दर्शन हो ही गए,
ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मना मत कीजिए, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपको सोने में तोल दूं। सोने में? हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे निर्धन इंसान की तरह पेश करना है अपने आप को। मेरा मतलब है कि यदि मेरा सामर्थ्य होता तो मैं बाबा को सोने में तोल देता, लेकिन अभी तो इस गरीब के पास यही है बाबा को अर्पित करने के लिए। मालसापति जी। जी साईं। ये खंडोबाजी को चढ़ा दीजिए। जी। देवधर और दामिनी की ओर से। इन्हें किसने बता दिया हमारा नाम? क्या आप हमें जानते हैं? तुम यात्रा से थक गए होंगे, पहले आराम करो। मैंने तुम दोनों के लिए गद्दा मंगवाया है, इस पे आराम से बैठो। आओ। आजकल मुझे भी जमीन पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है। ये पंखा, गर्मी है ना? अब क्या मुझे अपने को खुद ही पंखा करना पड़ेगा? क्या हुआ, पंखा पसंद नहीं आया आपको? बहुत मेहनत का काम है पंखा करना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।